राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी माता लक्ष्मी की कहानी। माता लक्ष्मी क्यों बनी नौकरानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ कहानी को पूरा सुने और कमेंट्स करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का अपने मन में विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए, तो वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु दो सोचकर बोले कि हाँ, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल मत देखना। और इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और उनकी बात मान ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे और रात के टाइम बरसात होकर हटी थी। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी तो मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और वह एक फूलों का खेत था। और माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ नहीं लेना चाहिए, और साथ ही उनको दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी होती है। किसी से भी बिना पूछे अगर तुम लोगे तो ये चोरी के ही बराबर है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। अब माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या एक झोपड़ा था जिसमें मालिक रहता था। उस मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी और उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस तुम मुझे अपने घर के कोने में, एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो। मैं समझ लूँगा, जहाँ मेरी 3 बेटियाँ हैं उसकी जगह 4 चौथी बेटी होती तब भी मैं अपना गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहो, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही।
जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई, उससे दूसरे दिन ही माधव को अपने फूलों से इतनी आमदनी हो गई कि शाम को वह एक गाय खरीद लाया। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर भी बन गया, बेटी बीवी के लिए गहने भी बन गए और मकान भी बहुत बड़ा और पक्का बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे जब से यह महिला मेरे घर रहने के लिए आई है, तभी से मेरे घर में मतलब बरकत हुई है और मेरी किस्मत चमक गई है। इस बेटी के रूप में मेरे भाग्य खुल गए हैं। और अब दो तीन साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों पे काम करके घर आया, तो उसने अपने घर के सामने द्वारे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यह वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से जाने अनजाने में बहुत सा काम घर और खेत में करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ़ कर दें। अब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपने बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे तुम्हें, जब तक तुम जीवित रहोगे सब ऐसो आराम की जिंदगी तुम्हें मिलेगी और जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ धाम को चली गई। बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।